नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में नव नियुक्त SP राजेश कुमार ने आज फतेहाबाद में चार्ज संभाला। SP द्वारा आज अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर संबोधित किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए SP राजेश कुमार ने कहा कि नशे को लेकर के विशेष अभियान चलाया जाएगा। SP ने कहा कि फतेहाबाद के सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी तेज की जाएगी ताकि निकटवर्ती इलाकों में नशा तस्करी को रोका जा सके। SP ने कहा कि फतेहाबाद में नशे की रोकथाम को लेकर के विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। राजेश कुमार ने साइबर क्राइम को लेकर के भी सुधार की बात कही तो उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर के थाने में तैनात IEO पर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि साइबर क्राइम से संबंधित मामलों में थाना स्तर पर ही समाधान किया जा सके। SP ने नशा तस्करी से संलिप्त महिलाओं पर शिकंजा कसने के लिए शहर में नाकों पर महिलाओं को भी तैनात किया है। SP ने कहा है कि शहर के नाकों पर महिलाओं की तैनाती की जाएगी ताकि महिला तस्करों पर भी शिकंजा कसा जा सके। जैसा कि मैंने अपने सभी अभी मीडिया के बंधुओं को बताया है और हमारी जो प्राथमिकता है नशे का जो उपयोग है यहाँ पर और जो नशे की सप्लाई है उसको किस तरह उसके ऊपर काम करना है, पुलिस के लेवल पर भी और उसमें सामाजिक स्तर पर भी कैसे अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं उसमें, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि नशे का जो उपयोग है उसके ऊपर यहाँ पर शिकंजा कस सके हम। उसमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि जो आपने बताया सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर देख रहे हैं किस तरफ से जो है नशे के सब्सटेंसेस की जो है इनकी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की वहाँ से तस्करी हो रही है और वहाँ पर ऑलरेडी नाकाबंदी इन प्लेस है कि नहीं, अगर नाकाबंदी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है या उन गाँव में जो है पुलिस का जो सूचना तंत्र है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो वो दोनों क्षेत्रों में काम करेंगे। साइबर क्राइम को लेकर क्या प्लान रहेगा सर आपका, किस तरह? साइबर क्राइम को लेकर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो पुलिस विभाग है वो साइबर क्राइम से डील करने में जो है और बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सके, तो थाना स्तर पर भी जो है हम कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा हमारी जो IOs हैं वो साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए डील करने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी और कोशिश करेंगे जितने अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू जो है साइबर क्राइम को हम प्रिवेंट कर सकें, वो भी हमारी स्टेप रहेगा। नहीं, अगर इस प्रकार की सूचनाएं आती है कोई कि महिलाएं जो तस्करी कर रही हैं तो उसमें महिलाओं की डिप्यूट की जाएंगी, महिलाएं जो है नाके पर, ताकि महिलाओं की चेकिंग के लिए महिला रह सके। सर, सुधार में जो है अगर हमारे पास किसी प्रकार की कंप्लेंट आती है किसी पुलिस कार्य प्रणाली के ऊपर जो सवाल उठाती है तो उसकी जो है बिल्कुल ठीक से जाँच करवा के और अगर किसी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य सामने आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तुरंत।